नमस्कार जोहार वेलकम आप सबका स्वागत है और आज की क्लास सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आई एम बैक आई रिज्यूम माई वर्क लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द बोला ये वर्ड बोला रिज्यूम इसका मतलब जो छूटा हुआ था जो मैंने एक टाइम के लिए पॉज कर दिया था मैंने उसको फिर से शुरू किया सो द वर्ड रिज्यूम इज़ ऑल्सो रिटन हेयर लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वर्ड को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि रिज्यूम तो ये है दिस वर्ड इज़ रिज्यूम लेकिन ये स्पेलिंग भी सेम है तो इसे भी वो रिज़्यूम ही प्रनाउंस कर देते हैं सो देर इज अ सिलेम मिस्टेक क्यों क्योंकि ये वर्ड तो इंग्लिश ओरिजिन का है दैट आई प्रनाउंसड वेन आई स्टार्टड द क्लास वेन आई रिज्यूम द लेक्चर्स यूट्यूब लेक्चर्स लेकिन ये जो वर्ड है इसमें कुछ एक मार्क्स हैं जो इसे इंग्लिश से डिफरेंट कर देते हैं और इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड जो है इसमें ये जो मार्क दिख रहा है वॉट डज इट मीन इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट फ्रॉम इंग्लिश ओरिजिन इट हैज़ अ फ्रेंच ओरिजिन तो फ्रांस की जो भाषा है वहाँ पर इस वर्ड को शुरू किया गया इस वर्ड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ इसलिए इस वर्ड का जो जो प्रोनासीशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश तो क्या है भाई तो इट इज प्रनाउंसड एज रेज्यूमे राइट सो व्हाट इज इट रेज्यूमे और अ और यू मींस इट कैन बी प्रनाउंस एट रेज्यूमे और रेजूमे तो इट्स नॉट रिज्यूम kindly i i just beg you or i just request you or i just make you learn that don't pronounce your biodata as resume all right so it is resume Or ye originate hai french language se originate hai. so the word resume comes from the french word resume meaning to summarize ठीक है तो इस वर्ड का मीनिंग ही चेंज देख लीजिए टू समराइज इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लेकिन रिज्यूम का मतलब क्या होता है दोबारा से शुरू करना बिगिन इट अगेन एज आई बिगेन इट अगेन आफ्टर वन मंथ आई रिज्यूम्ड माई यूट्यूब लेक्चर्स ठीक है सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूम एंड रिज्यूम तो अब ये क्लियर हो गया है तो लेट्स गो टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इसका मतलब होता है टू समराइज समराइज का मतलब क्या समराइज करना है क्या आपको कोई पोएम समराइज करनी है या कोई नॉवल समराइज करना है इसके अंदर नहीं इसके अंदर आपके अपने स्किल सेट मतलब आप क्या क्या जानते हैं इस दुनिया में यू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू हैव वन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी तो मनी के लिए आपके पास कुछ स्किल सेट होने चाहिए मींस जॉब मार्केट में जॉब के नेचर को देखते हुए कि आपको कैसा काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और आपका कुछ टेंप्रामेंट होना चाहिए तो उस स्किल को अकॉर्डिंग टू जॉब टेंप्रामेंट जॉब का नेचर आपके पास जो स्किल हैं उन सारे स्किल को आपको समराइज करना है मीन You don't need to tell everything about you. You have to summarize your qualifications. So, or what? kya qualifications are there uh, for different jobs? we will see in detail later. the basic requirement, the basic information about you, you write it in a resume. So now I will go to uh, define the. थिंग द वर्ड रेज्यूमे ठीक है सो so, ये क्वेश्चन भी आता है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें एक ये भी आ, मतलब टॉपिक एड कर दिया जाता है सो दैट यू विल बी एबल टू कंपोज योर रेज्यूमे ना कि किसी की हेल्प लेने जाएँ साइबर कैफ़े वालों को कह दें कि भाई मेरे रेज्यूमे बना दो तो डैट वुड नॉट सफाइज क्योंकि आपके स्किल्स आप जानते हैं सो so, लेट्स डू कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसका डेफिनेशन क्या है क्योंकि एग्जाम में भी ये डेफिनेशन पूछे जाते हैं सो so, डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन है इट इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड यूज बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड आप कहाँ से आए हैं मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है इट कैन बी योर एकेडमिक बैकग्राउंड इट कैन बी योर पर्सनल बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड ठीक है एंड स्किल्स आपके पास क्या क्या है? स्किल्स हैं? क्या आप बहुत जल्दी टाइम टाइप कर सकते हैं आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है आपकी रीडिंग स्पीड क्या है आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं तो दीज आर योर स्किल्स ऑल राइट स्किल्स क्या है एंड अकॉम्पलिशमेंट आपके क्या क्या क्वालिटीज हैं आप सिंसियर हैं आप पंक्चुअल हैं आप यू नो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है हार्ड वर्किंग है सो दीज स्किल्स दीज एकॉम्पलिशमेंट्स एंड दीज बैकग्राउंड्स आर रिटन इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट मोर देन टू पेजेस तो इसे हम कहते हैं क्या रेज्यूमिंग तो दिस इज आई गेस कि हम सभी बताना चाहते हैं खुद के बारे में लेकिन जब आप खुद के बारे में बताने जाएंगे तो यू विल टेक मोर टाइम एंड समटाइम्स यू आर नॉट यू नो सर्टन दैट वॉट टू सेट नॉट टू से फॉर देट रीजन यू हैव टू जस्ट प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू राइट सम सेंटेंसेज टू डिफाइन योर सेल्फ एंड दैट कैन बी That can be read in a minute or two so that the employer who is going to give you any job will uh, will be ready before you come to that, come to, do, come to uh, go to that employer to uh, express your need or your, uh, your, yeah, your, uh, yeah, your need for the job. So, this जो मैंने अभी इंग्लिश में कही इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप एक बात लिख देते हैं और अपने एम्प्लॉयर को पहले से दे देते हैं तो वो एम्प्लॉयर पहले से पढ़ करके उसके रखे, उसे रखेगा एंड उसके पास प्रायर पहले से ही सारी बातें आपके बारे में पता होंगी तो उसे अब क्या चाहिए वो आपसे पूछेगा एंड ही विल टेस्ट यू ही और शी विल टेस्ट योर रियल एक्सप्रेशन ठीक है तो रेज्यूमे का यही पर्पज़ होता है अब आजकल रेज्यूमे हम लोग ऑन पेपर भी लेके जाते हैं बट बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू वी मेल ई मेल कर देते हैं कि दिस इज द दिस इज आवर रेज्यूमे ठीक है सो अभी इस एज uh, में डिजिटल एज में वी ऑल्सो ई मेल आवर रेज्यूमे टू आर यू नो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयर ठीक है तो ये बात तो समझ में आ गई अब हम ये देखते हैं कि ये रेज्यूमे तो ठीक है लेकिन क्या रेज्यूमे के अलावा भी इसे कुछ और भी बोला जाता है तो हाँ इसके कुछ और नाम भी हैं जैसे कि इसे करिकुलम वीटे भी कहते हैं ठीक है ना करिकुलम विटे देखिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिखा है ये जो तरीका है लिखने का ये थोड़ा सा फोनेटिक है थोड़ा सा एडवांस है बट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड इफ यू वॉन्ट टू करेक्ट योर प्रोनउंसिएशन यू मस्ट नो ये वाला

तो करिकुलम विटाई कहा यूज होता है ये मोस्टली यूके में इसे यूज किया जाता है यूनाइटेड किंगडम ठीक है तो रेज्यूमे इज़ रेज्यूमेजली यूज वर्ड रेज्यूमे इज मोस्टली यूज इन अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स एंड करिकुलम विटाई इज यूज इन यूनाइटेड किंगडम मीनस इंग्लैंड एंड इन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड ऑल तो यहाँ पे हम लोग जनरली बायोडेटा बोलते हैं बट नाउ एज अमेरिका इज अ सुपर पावर या सो so कॉल्ड तो हम लोग उसकी ही लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं टू टू बी मोर यू नो स्मार्ट तो वी ऑल्सो यूज़ दिस रेज्यूमे ठीक है रेज्यूम यूज़ करेंगे बायो डाटा इज ऑल्सो ओके एंड जनरली वट है जब शादी होती है ना तब हम बायो डाटा भेजते हैं देन वी डोंट सेंड द रेज्यूम तो थोड़ा सा यहाँ पर यह भी कॉन्टेक्ट देखा जाता है कि लड़की का बायोडाटा भेज दो लड़के का बायोडाटा भेज दो बट आई गेस कि वहाँ रेज्यूम भेजना ज़्यादा जरूरी है सो दैट अदर पार्टी विल अंडरस्टैंड कि वो टू बी ब्राइड और टू बी ग्रूम वो कितना पढ़ा लिखा है एंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन या द डेट ऑफ बर्थ एंड अदर थिंग्स सो दैट्स अनदर थिंग लेकिन अब ये देखते हैं कि भाई बनाए कैसे ठीक है ना बैठ जाएंगे बनाने के लिए लेकिन कोई भी काम करने के पहले जो प्री रिक्वेजिट्स होती हैं जो हमारे पास पहले से रेसिपी होनी चाहिए वो क्या होगी सो द रेसिपी द इंग्रेडिएंट्स जो होने चाहिए वो आपको तैयार रखने होंगे ऑन पेपर सो इसशियल इंग्रेडिएंट्स आर आपका नाम और कांटेक्ट डिटेल नाम की सही से स्पेलिंग जो कि आपके टेंथ के मार्कशीट में है समटाइम इट इज यू नो इट इज़ मैनिकुलेटेड और समटाइम्स मिस्टेकली इट इज एंटर्ड रॉन्ग ठीक है तो उस सम को ठीक करा के पहले एंड देन यू यू गेट दैट उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो यहाँ लिखी हुई है इसका मतलब यू शुड आपको क्या करना है अपना पता देना है एड्रेस देना है एड्रेस में द पोस्टल एड्रेस इज देअर बट अदर देन दैट यू हैव टू इनपुट द ई मेल ठीक है ना अगर आपका कोई इंस्टा आईडी है मींस यू आर रनिंग बिजनेस ऑन इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं सो दैट पीपल कैन सी और पीपल कैन मैसेज देयर आल्सो सम व्हाट इफ दे हैव टू सेंड सम मैसेज और कुछ कम्युनिकेट करना हो तो तो वहां पर आप इसे भी इनपुट कर देंगे तो नाम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ई एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस उसके बाद आपका कोई अगर जॉब अगर कोई प्रोफाइल और है दैट इज़ बिजनेस प्रोफाइल तो वहाँ वो भी दे सकते हैं ई जरूर क्रिएट करना सीखें सभी लोगों को ये जरूरी है ई क्रिएट करना अपना जी मेल आई बनाना आई सी आई विटनेस कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिपेंड करते हैं साइबर कैफ़े के जो हैं ऑपरेटर्स हैं उस पर कि uh, भैया मेरा जी मेल बना दो और बना दिया एंड दे जस्ट फोर क्या कि क्या मेरा आई है क्या मेरा पासवर्ड है सो इस इन दिस डिजिटल एरा यू मस्ट नो योर जी मेल आई डी एंड पासवर्ड एंड फॉर दैट पर्पज यू हैव टू क्रिएट योर ओन जी मेल तो आपको बार बार अगर लॉग इन लॉग आउट करेंगे तो यू विल रिमेंबर एंड यू विल रिमेंबर देन आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा एंड समाइम्स इट हैपन्स कि जो दूसरे लोग जान जाते हैं दे यूज़ टू मैनिपुलेट एंड दे यूज नॉट गुड जॉब विद योर ई मेल आई डी तो ये सब भी करना है सो so, इट इजेंश इसेंशियल क्या नाम सही सही एंड कॉन्टेक्ट डिटेल उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आप क्या करना चाहते हैं आपका करियर ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मीन्स आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपके टेंथ में या ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज मार्क्स है क्या कोई डिस्टिक्शन है यू शुड मैंशन देयर एंड मै आई अलटेल की अलटेल की हाउ यू वुड प्रेजेंट सही सही तो देर मस्ट बी अ चार्ट तो मैं जो प्रैक्टिकल एक क्लास एक लेक्चर या क्लास में अपलोड करूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि हाउ टू प्रिपेयर दैट चार्ट कि क्या क्या इसमें uh, होना चाहिए बट पहले आप अपने पास लिख के रख लें उसके बाद उसे हम डॉक्यूमेंट में कैसे फ्रेम करेंगे उसमें कैसे प्लेस करेंगे टेल यू और यू कैन फाइंड इट ऑन और यून लेकिन जो इसेंशियल है वो सबसे पहले याद रखना है फिर स्किल्स क्या हैं ये भी आपको अपने बारे में सोचना है यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ कि मेरे क्या स्किल्स हैं क्या मैं जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास क्या किसी चीज को जोड़ने का स्किल है कोई टूटी फूटी चीज़ को भी आप जोड़ के बहुत अच्छा बना सकते हैं यू कैन ऑर्डर थिंग्स क्या आप बिखरी हुई चीज़ों को एक तह में लगा करके उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उससे भी कुछ काम ले सकते हैं या फिर आपको लोगों को ऑर्गेनाइज करने का लीड करने का स्किल है तो वॉट स्किल्स यू हैव यू हैव टू फाइंड आउट ठीक है तो ये चीज भी आप आ, क्या करेंगे सोचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक बहुत सारे चीजें ना हमारे पास नहीं होती हैं एंड समटाइम्स वी डू कि हलवा बनाना है चलो भाई घी नहीं है तो बिना घी का ही हलवा बना दिया या फिर इलायची नहीं है तो बिना इलायची के ही हलवा बना दिया बट देट इज ऑल्सो हलवा लेकिन अगर आप रिप्रेजेंट मतलब कहीं आप जा रहे हो यू आर गोइंग टू गेट द जॉब ऑफ अ कुक तो आपको सब कुछ रखना पड़ेगा ठीक है ना सो दैट यू विल गेट द बेस्ट तो यू शुड थिंक यू मस्ट थिंक कि आपके स्किल्स क्या हैं तो उन स्किल्स को भी आप लिखेंगे यू कैन आस्क योर एल्डर्स हु ऑब्जर्व हु ऑब्जर्व यू कि आपके क्या क्या स्किल हैं दे विल टेल एंड यू मस्ट थिंक ऑफ यू अपने आप से भी खोजना चाहिए उसके बाद अचीवमेंट्स क्या क्या सॉरी उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑल दो फ्रेशर्स जो नए बच्चे होते हैं जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होते हैं बट इफ़ यू हैव अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है एन एस एस का प्रोजेक्ट किया है औ, और फिर कहीं टाइपिंग का काम किया कुछ भी ऐसा काम किया जो आपके आ, आपने प्रोफेशनली किया जिसके लिए आपको पैसे भी मिले हैं सो दैट इज योर प्रोफेशनल स्किल ठीक है तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं अचीवमेंट्स अवार्ड्स मिले हैं प्राइजेस मिले हैं आपने कभी थिएटर किया है तो उसके लिए कोई प्राइज़ मिला है कोई स्पीच कंपटीशन कोई डिबेट कंपटीशन कोई पेंटिंग किया है तो उसके लिए अगर आपको अचीवमेंट्स मिला है कि हाँ यू आर अवार्डेड देन यू कैन ऐड हियर एज अचीवमेंट्स ठीक है तो अचीवमेंट्स क्या क्या है वो भी याद करना पड़ता है कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अरे मैं, मैं तो ये प्राइज मिला था मैं वहाँ गया था सो समटाइम्स वी फॉरगेट तो ये सब चीज़ों की आपको क्या करनी होगी एक रिफ्रेश uh, करना होगा अपनी मेमोरी को एंड यू हैव टू राइट डाउन पहले तो प्लेन पेपर पे लिखेंगे देन यू विल पुट इनपुट इट इन ऑन यू नो कंप्यूटर एंड देन यू विल गेट द प्रिंट ऑफ इट उसके बाद ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कंप्यूटर की ट्रेनिंग मिली है या आपने ब्यूटी यू नो ब्यूटिशियन का कोर्स किया है या फिर कुछ भी किया है टाइपिंग का कोर्स किया है तो वो सर्टिफिकेट्स कहाँ किया कब किया वो भी अपने पास आपको कलेक्ट करके रखना होगा एंड इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ ऑल राइट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली uh, क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ को थोड़ा डीप deep, डीपली पूछते हैं थोड़ा डिटेल में पूछते हैं जैसे आपने कहा हॉबीज में आई लव टू लिसन म्यूजिक अब दिल स्टार्टो यू नो एक्सक्रूसिएटिंग यू मतलब आपको वो ना तो थोड़ा परेशान करेंगे दैट इज नॉट द इंटेंशन वॉज नॉट ओनली डेट यू बट टू नो दैट हाउ यू आर पैशनेट अबाउट योर हॉबीज तो भाई किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो किस टाइप का मतलब क्लासिकल और मॉडर्न और यू नो पॉपुलर कल्चर का या फिर कर्नाटिक सॉन्ग मतलब देर आर देर इज अ वाइटी ऑफ यू नो म्यूजिक तो आप क्या सुनते हो सो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्म होना होगा अपने बारे में कि आप क्या म्यूज़िक सॉरी क्या इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऐड कर रहे हैं सो इट टेक्स टाइम आपको रिज्यूमे में बनाना है तो ये नहीं कि आप गए साइबर कैफे वालों को बोल दिया उन्होंने बना दिया नो अ काइंड ऑफ इ कॉम्पोजिंग ऑफ रेज्यूम सो आप पहले सोचें दो दिन सोचना पड़ेगा आपको उसके लिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग मतलब सोचते सोचते लिखेंगे एंड देन यू विल जस्ट या टाइप करने के लिए यू कैन गिव इट टू दस मतलब कैफे वाले भैया बट सोचने के लिए आपको ही सोचना पड़ेगा सो विद दीज यू नो डायरेक्शंस और सजेशंस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस तो आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप यू विल लव दिस लेक्चर एंड वेरी सुन आई कम विथ अनदर और द प्रैक्टिकल लेसन ऑफ मेकिंग अ गुड resume so again repeat it with me it's resume it's not resume all right it's curriculum vitae or it can be a biodata so thank you very much bye bye